मुंबई में रेल फुट ओवरब्रिज हादसे से भी रेलवे प्रशासन सबक नहीं ले रहा। फुट ओवरब्रिज हादसे में हुई मौतों के बाद जागे रेलवे प्रशासन ने कौशाम्बी जिले के भरवारी रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवरब्रिज की जांच की और फुट ओवरब्रिज को लेकर क्लीन चिट भी दे दी। लेकिन असलियत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वही रेलवे स्टेशन भरवारी का फुट ओवरब्रिज है जिसकी प्रयागराज मंडल के ADRM अनिल द्विवेदी ने चीफ सेफ्टी ऑफिसर अरुणिमा सिंह के साथ जांच की और बिल्कुल सही बताया। जबकि फुट ओवरब्रिज के पत्थर और सीढ़ियां किस स्थिति में है इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। फुट ओवरब्रिज में लगे हुए गार्टर में जंग लग गई है और कंक्रीट और प्लास्टर गिर रहे हैं। यहाँ पर रेलवे की संरक्षा संबंधी जो तैयारी है उसका निरीक्षण करने के लिए एक नियम है कि बाहर से टीम आती है, तो इस बार NWR से यानी उत्तर पश्चिम रेलवे जो है वहाँ से टीम आई थी। मैडम अरुणा सिंह हैं चीफ सेफ्टी ऑफिसर, उनके नेतृत्व में और उनके साथ सभी विभागों के अधिकारी थे, तो उन्होंने सभी हमारे संरक्षा संबंधी ट्रैक का निरीक्षण किया, सिग्नल का, गेट का, कर्व का, जो पैरामीटर्स होते हैं स्टेशन का किया, तो मरौली और भरवारी स्टेशनों का निरीक्षण हुआ मुख्यतः, और बीच बीच में दो लेवल क्रॉसिंग का भी हुआ। इसके अलावा इलाहाबाद में भी निरीक्षण किया गया है, तो वही अभी चल रहा है निरीक्षण, शाम तक चलेगा। सर, मुंबई जो रेलवे ओवर फुट ओवर ब्रिज का हादसा हुआ है, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये निरीक्षण माना जाएगा? पहली बात तो आपको बता दूं, रेलवे का ओवर ब्रिज नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है वो रेलवे स्टेशन के बाहर बना हुआ ब्रिज है जिसको रेलवे नहीं मेंटेन करती है। बस इतना है कि वो रेलवे स्टेशन के पास में है, बाकी उसका रेलवे से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये निरीक्षण तो पहले से पूर्व निर्धारित था, ब्रिज तो कल भी रहा है, बहुत महीने पहले से प्रोग्राम आता है। मंगरौली भरवारी में फुट ओवर ब्रिज की कंडीशन क्या है? मंगरौली भरवारी में तो अभी जाँच की गई है, ठीक है। यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं जहां नेशनल हाईवे NH-24 पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि टाटा 407 को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टाटा 407 का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे आनंद फानंद में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। वहीं इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है।